ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिनिस्नप्यामा ॐ नमः सिद्धेवे ॐ नमः सिद्धेवे ॐ नमः सिद्धेवे श्रीवीत्रागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पार्थि तंग्राये द्वादश गण प्रविष्टिताये शुक्ल ध्यान पवित्राये सर्वज्ञाये स्वयंभुए सिद्धाये भूताये परमात्मने परम सुखाये त्रिलोक्यमय व्याप्ताये अनंत संसार चक्रीमर्दनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत वीर्याये अनंत सुखाये सिद्धाये भूताये त्रिलोक्य वंश कराये सत्य ज्ञानाय जत ब्रह्मणे धनेन्द्र बना मंडित मंडिताय ऋषि आरिका चावक चाविका प्रमुख चतुर संग उपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म विनाशनाय अगाति कर्म विनाशनाय आत्मा कम आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज तत्ज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज आरिका श्री 105 ज्ञानमती माता जी चंद्रमती माता जी दक्षमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी स्वास्थ्य लाभार्थम अपवायाम मृत्यु अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वसर्गभयम सर्वविघ्नभयम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मयम सर्वपरमन्त्रम सर्वचूलरोगम सर्वजयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वमहामारी सर्वगोमारी सर्वमहिषीमारी सर्वधान्यमारी सर्वरक्षमारी सर्वगुलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वतालताग्निमयम चिन्ह चिन्ह भिन्न भिन्न सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम ग्रीम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम संवत तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर केट करवर धोन मुख संभाग नंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानंदनम सर्व दुख आने आने पति पति कुट कुट जिक्रम जिक्रम क्रू क्रू सा यत्म सूत्री लोके तु व्याधि वर्धन वर्धितम अवयम से मरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयत श्री शांति रस्तु शिवम अस्तु जय अस्तु नित्यम आरोग्यम अस्तु अस्माकं सकल दिगंबर जैन समाजस्य एवं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार आज के प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार श्री गौरव जी लोहाड़िया के स्वास्थ्य लाभ हेतु परिवार सहारनपुर से शांति धारा श्री अमन जी जैन शक्तिनगर से भी आज की शांति धारा तृतीय शांति धारा कर्ता परिवार श्री नसीब जी सोनी ममता नीतू मनीत पीयूष लोहित पलक स्मिता रितिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा 18 उपासना कुंज गुरमंडी से श्री भूपत राय जी अमृतलाल मोदी श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी श्रीमती ख्याति हेमंशा व चिरंजीवी हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोग्यता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जी जैन परिवार अजय जी रितु जी शक्तिनगर वालों द्वारा भी शांति धारा श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति अंकुर तिशला सिमरन गोदा परिवार शक्तिनगर से श्री अशोक जी जैन नरेंद्र जी जैन जगजोत टेरिया साना प्रताप बाग से श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी वीरेंद्र जी पायल जी ऋषिटिया व आर्य सोनी प्रीतिहार से श्री राजीव जी जैन अनीता ममता वैभव नेहा मार्दव पुलकित ऐश्वर्य आर्जव प्रियंका अर्पित पारुल अत्यंत पाशी डेलको रबर्टेडस प्रीतिहार से स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जी जैन सुनील जी जैन स्वाति जी जैन परिवार सीसी कॉलोनी से श्री सुरेश जी जैन नरेश जी जैन खिलौना वाला परिवार रूपनगर वालों द्वारा भी शांति धारा आरिका 105 श्री दक्षमती चंद्रमती ज्ञानमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु शांति धारा समस्त शांति धारा कर्ता परिवार टीवी के सामने देखने वाले सुनने वाले वहां यहां उपस्थित सभी जैन परिवार से पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु
सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा संतु सधर्म श्री बालारोग्यमेश्वरम अभिवृद्धिरस्तु सोदम स्वशिष्य पर शिष्यवर्गः प्रसिदन्तु नः ओम राम रीम रोम रोम रा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश भवतो नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरं असि औसा अनहात विद्याय नमो अरियन्तनम ह्रों सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा नोम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षणशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकृति शत्रु उपद्रव विनाशनाय सब शाम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रूम रहा असि औसा अरहम नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु वशट स्वाहा संपूजकानाम प्रतिपाल का नाम यतीन समान तपोदनानाम देश से राष्ट्र से पूरा से राज्यम करो तो शांतिर भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिर भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय उदक साक्षात वेदी में विराजमान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय श्री चंद्र प्रभ जिनेन्द्राय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय श्री पाशनाथ जिनेन्द्राय श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय अभिषेकांते मस्को प्री शांति धारानंते अर्घम निर्पम्ति स्वाहा जय बोलिए पार्शनाथ भगवान की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्या सागर जी महाराज की जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जिनेन्द्र बंधुओं जैसा आप सभी को पता है कि श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग गुड़मंडी दिल्ली के दिल के बीच में जो आप सभी की मेहनत से सभी के प्रयासों से सभी के सहयोग से शायद विश्व का एकमात्र मंदिर होगा जिसमें दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष से दिल्ली राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु कहां से बाहर से अमेरिका जापान लंदन सभी जगह से पैसा भूमि के अंदर आपने देकर के ये विशाल मंदिर जो करीब 1800 गज जगह में बन रहा है आप सभी के सहयोग से बन रहा है बंधुओं ये मंदिर दिल्ली का नहीं कहलाएगा यह मंदिर श्री दिगंबर जैन समाज पूरे भारतवर्ष के दिगंबर जैन समाज का बनने वाला एकमात्र मंदिर जिसमें शायद तीन क्षेत्रों के बाद में पहला मंदिर होगा कि जहां पर आप सभी ने इस कार्य में भाग लिया मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इसी के बराबर में एक 500 गज में जो हॉस्पिटल हम बना रहे हैं आप लोग थोड़े सुस्त हो गए हैं हमें करीब 454 गज का पैसा हमारे पास में आ गया है करीब 46 गज का पैसा हमें इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए जो भूमि लेनी है उसके अंदर अभी बाकी है मैं आप सभी से निवेदन करता हूं एक गज की राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है और सोचिए कि इससे बड़ा कार्य आप सभी ने कोरोना में देखा कि हॉस्पिटल की हमें कितनी जरूरत है और अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद ये काम पूरा नहीं होगा मैं आप सभी से निवेदन करता हूं जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं जिनकी भी भावनाएं अच्छी हैं जिनका भी पैसा सदुपयोग में लगना है इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता है बंधुओं हम मंदिर भी बना रहे हैं धर्मशालाएं भी बना रहे हैं स्कूल भी बना रहे हैं पर हॉस्पिटल भी हमें बनाने पड़ेंगे और वो जब ही बनेंगे जब आप सब लोग सहयोग करेंगे मैं आपको बता दूं अभी छोटी सी ओपीडी हम 80 गज में चला रहे हैं उसमें रोज 50 से 60 भाई बहन दिखाते हैं जिन्हें मात्र 20 रुपए में हम निशुल्क दवाइयों सहित पूरी सुविधा उनको वापस देते हैं
सभी तरह के टेस्ट करते हैं और भी जो कार्य होता है सब हॉस्पिटल में हम करते हैं, मात्र 20 रुपए लेते हैं। ये सभी आप सभी के सहयोग से चल रहा है। अभी इस हॉस्पिटल की भूमि में हमारे पास में 12 पैटर्न ट्रस्टी जिनके परिवार के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि दी गई है और 4 ट्रस्टी जिनके परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि दी गई है। आप में इसे भी अगर कोई पैटर्न ट्रस्टी बनना चाहता हो मात्र 21 लाख रुपए की राशि है, कोई ट्रस्टी बनना चाहता हो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है, आप आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 5 लाख रुपए की है, 5 साल के लिए अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं उसकी राशि मात्र 2,51,000 रुपए की है और 1 गज भूमि अगर देना चाहते हैं तो उसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की है। आपका नाम आपके जीवन के लिए नहीं, आपकी पूरे परिवार के लिए, आपके हजारों साल तक यहाँ पर जो हॉस्पिटल चलेगा उसके अंदर आपके परिवार का नाम रहेगा। बंधुओं कहते हैं कि आपकी वजह से किसी एक आदमी का भी स्वास्थ्य लाभ हो गया हो, एक आदमी भी अगर बच गया तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। मेरी भावना को देखते हुए आप जल्दी से जल्दी इस कार्य में करें क्योंकि भूमि लेने के पश्चात ही हॉस्पिटल बनाने का कार्य करना है और हॉस्पिटल बनाने में जैसा आप सभी को पता है एक ही परिवार के द्वारा श्रीमान आर के जैन राजस्थली परिवार के द्वारा यहाँ पर पूरी राशि बोली गई है, पर वह जब ही बनेगा जब आप लोग भूमि में काम हमारा पूरा कर देंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं शायद पहली बार कोई ऐसी 24 ही जिसमें 24 मंदिर अलग अलग बन रहे हैं, उसमें से हमारे पास में 15 नाम 15 परिवारों के आ चुके हैं जिनके परिवारों के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि मंदिर व प्रतिमा में दी गई है। मात्र 9 मंदिर व 9 प्रतिमाएं हमारे पास शेष बची है। आप अपने परिवार की तरफ से 21 लाख रुपए की राशि देकर के 31 इंची की धातु की प्रतिमा जो करीब 500 किलो वजन की यहाँ बन रही है उसके अंदर भी भाग ले सकते हैं। बंधुओं जब तक आप रहेंगे उसके पश्चात भी लाखों वर्षों तक आपके परिवार का नाम इस मंदिर के माध्यम से चलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप मंदिर व मूर्ति अगर देना चाहते हैं तो राशि 21 लाख रुपए की है, केवल प्रतिमा देना चाहते हैं तो उसकी राशि 11 लाख रुपए की है और केवल वेदी देना चाहते हैं उसकी भी राशि 11 लाख रुपए की है। बहुत ही जल्दी 2023 में या 2024 में हम इसका पंच कल्याण करने वाले हैं और आप देखेंगे कि यह भी एक दुनिया का विश्व का बहुत बड़ा पंच कल्याण होने वाला है क्योंकि इसमें हजारों परिवारों का साथ हमारे साथ रहेगा। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार की तरफ से जो भी देना चाहे देकर के बंधुओं इस पुण्य लाभ को अवश्य ले। जैसा आपको पता है करीब 3 साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है हमारे यहाँ पर लोग रोज गरीबों को भोजन करवाया जाता है। आप अपने परिवार की तरफ से आपकी शादी की वर्षगांठ पर, बच्चे के जन्मदिन पर या और किसी कार्य पर आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर भोजन भी करवा सकते हैं जिसकी संपूर्ण भोजन की एक दिन की राशि करीब 22,000 रुपए की है। आप अपने परिवार की तरफ से 22,000 नहीं दे 11,5100 जो आपकी इच्छा हो देकर के यहाँ गरीबों को भोजन करवा सकते हैं, मेडिसिन दिलवा सकते हैं, शांति धारा करवा सकते हैं, कोई भी कार्य अपने परिवार की तरफ से करवा करके इस पुण्य लाभ को ले सकते हैं। बंधुओं मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो हॉस्पिटल हमारा बनने वाला है उसमें हमें केवल 44 गज का पैसा अभी और चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो भी टीवी के माध्यम से सुनेंगे इसे पूरा करेंगे और अगले महीने में शायद इस हॉस्पिटल का हम निर्माण चालू कर देंगे।